ये भी एग्जाम आने वाले और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में दो दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं वो भी ये नोट्स पढ़ के अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है कितने मार्क्स दिलवाएगा तो मैं आपको बता देती हूँ चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है सोल से है डीयू से है एनसी वैब से है इग्नू से है कहीं से भी हो सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्टस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं एग्जाम ओरिएंटेड है, है। फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है पढ़ के जाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हंड्रेड परसेंट पासिंग हैं। बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेन ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बस इतना पढ़ना है हंड्रेड परसेंट पास हो जाओगे और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ तो सिर्फ और सिर्फ एट्टी नाइन रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी जिसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे थैंक यू हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल माई सेल्फी टक्कर और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर डेवलपमेंट के बारे में एक एग्जांपल दूंगी और ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे वैसे तो इसकी कहानी आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं पता नहीं एट नाइन्थ कब से पढ़ते आ रहे हैं मुझे नहीं पता बट मैं शॉर्ट में ही कराने वाली हूँ आप लोगों को बेसिकली सो इंटरपेन्योरशिप का प्री ब्रिटिश इंडिया बताऊंगी और डिक्लाइन इंटरप्रन्योरशिप ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड की कैसे हमारा जो देश था वो किस तरीके से काम कर रहा था यानी जो हमारा देश था इकोनमी जो थी फार्मर कह लो आर्टिशियन कह लो क्राफ्टमैन हो गए मेंबर्स हो गए ठीक है ये सब क्या कर रहे थे सब अपना अपना प्रोड्यूस कर रहे थे अपना अपना काम कर रहे थे हाथ की बनी चीजें बिकती थी यहाँ पर स्पीसेस नीडल्स सॉल्ट ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इन पे काम होता था फिर देश के अंदर जो है एक साल या दो साल बुक्स में अलग अलग दे रखा है वन नाइनटी या टू हंड्रेड ईयर्स तक अंग्रेजों ने हमारी कंट्री पे राज किया क्या किया हमारा ही कच्चा माल ले जाके रॉ मटेरियल ले जाके ब्रिटेन में ले जाते थे फिनिश में बदल के हमारी कंट्री के लोगों को महंगे रेट्स पे बेचते थे और कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी के लोग थे उनको हमारे जो फाइन क्वालिटी के हाथ से बनी जो चीजें थी वो कम पसंद आने लगी और मशीनरी के प्रोडक्ट बिल्कुल फाइन क्वालिटी के होते हैं वो ज्यादा पसंद आने लगे सो यही पीरियड था कहीं ना कहीं कैसे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड डिक्लाइन करने लग गया कैसे गिरने लग गई हमारी मार्केट बिल्कुल ही बर्बाद हो गई ठीक है ना ये सारी कहानियां बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरप्रनशिप डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट इंडिया कि कैसे हमें जब आजादी मिल गई उसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोगों ने अपने आप को गवर्नमेंट के अंडर में थी चीजें प्रोडक्टिविटी कैसे थी एग्रीकल्चर पे लोग काम करते थे 85 90 परसेंट जो एग्रीकल्चर पे काम हो रहा था फिर धीरे धीरे करके सारी चीजें हुई एलपीजी आया पिलर्स उठे ठीक है एलपीजी हमारे थ्री पिलर्स हैं जो हमारी इकोनमी को उठाते हैं फाइव ईयर प्लान पढ़े हमने गोल्स पढ़े काफी सारी कहानी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पढ़ी वही महाभारत है इसके अंदर पूरी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई है बट जब आप नोट्स वगैरह लेंगे तो उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑलरेडी ठीक है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की तो वो है आपका मेन कॉन्सेप्ट वो आता है मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया जो है रोड मैप है इंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट का वो कैसे फोर पिलर थे फोर पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया सबसे पहला क्या आता है नंबर वन इज न्यू प्रोसेस क्या आता है न्यू प्रोसेस दूसरा आता है आपका न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आता है न्यू सेक्टर्स न्यू सेक्टर्स जो जो मेन मेन है आपको पढ़ा दी जो पहले की कहानी थी वो मैंने शॉर्ट में बता दी लास्ट वन आता है आप लोगों का न्यू माइंडसेट माइंडसेट इसको समझाती हूँ मैं आपको अच्छे से सो नंबर वन इज न्यू प्रोसेस न्यू प्रोसेस हमें क्या समझाता है मेक इन इंडिया जो है रिक्नाइज क्या करता है बेसिकली एज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रमोट इंटरप्रोनरशिप की हम इससे क्या कर रहे हैं नए प्रोसेस आपने जब एलपीजी पढ़ा उसे यही तो देखा ना कि जितने भी बैरियर्स वगैरह थे वो सारी की सारी चीजें बैरियर्स वगैरह हटने स्टार्ट हो गए लाइसेंसिंग कितनी जगह हट गई थी तभी तो एक कहीं ना कहीं बोला था कि आप अपने सेटअप्स करो माइक्रो स्मॉल बिजनेस पे आओ ताकि आप कहीं ना कहीं एक इंटरपोर्न बन पाओ राइट तो वो सारे कहीं ना कहीं हमारे को एक रूट मिल गया था कहीं ना कहीं ठीक है तो न्यू प्रोसेस भी हमें यही समझाता है बिजनेस एनवाइ की कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है लाइफ साइकिल बिजनेस इसी पे चलती है कि नया प्रोसेस स्टार्ट करो नंबर टू इज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है आपने सामान बना लिया आपके पास आपको सामान को भेजना कैसे है ठीक है आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है हाई स्पीड है कम्युनिकेशन की या नहीं है ये सारी चीजें डिपेंड करती है नंबर थ्री इज न्यू सेक्टर न्यू सेक्टर क्या ट्वेंटी फाइव सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के एंड सर्विस एक्टिविटीज के जो कि कहीं ना कहीं हमें बताते हैं न्यू सेक्टर जो हमारे लिए खुल गए थे जिससे हम काम करना स्टार्ट हो गए थे ठीक है नए नए पोर्टल्स कह सकते हैं वेब पोर्टल्स है प्रोफेशनली डेवलप ब्राउचर हो गए वो सब आते हैं नंबर फोर्थ इज न्यू माइंड सेट न्यू माइंड सेट हमें क्या बताता है नाम से ही क्लियर है ये कि एक ऐसे इंडस्ट्री की बात करता है कि मेक इन इंडिया इंटेंड टू चेंज दे ब्रिंगिंग है ना कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट इंटरेक्ट कर रही है इंडस्ट्री के साथ ताकि चीजें बने और आगे बिके और एक इंटरप्रेनशिप पे काम हो पाए ठीक है अब आते हैं हम लोग अपने डायमेंशन ऑफ इंटरप्रनोरशिप के डायमेंशन क्या कहता है बेसिकली हमें ठीक है तो डायमेंशन हमें ये समझने हैं डायमेंशन ऑफ इंटरप्रनोअरशिप में नंबर वन है स्ट्रेटेजिक ऑरियंटेशन स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन क्या कहता है मेनली फोकस करने को कहता है अपॉर्चुनिटीज पे कि हमें इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं ठीक है थीके? तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा हम अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे ना तो उससे क्या होगा ग्रोथ होगी और उसी से ही हमारा डेवलपमेंट होगा ये हमारे डायमेंशन है नंबर टू इज कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी हमें ये समझाता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे इंटरप्र होते हैं वो एक इनोवेटर होते हैं क्रिएटर होते हैं चीजों को बनाते हैं भाई जब तक एक इंटर आप एक सिंपल सा वर्ड समझो एक और एक इंटरपन्य में फर्क क्या है इंटरपोन एक इंसान है जो चीजों को रिस्क बेयर कर रहा है जो हमने अभी डिफाइन में समझा इंटरप्रिप एक प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को कर रहे हैं और किसके द्वारा हो रहा है इंटरपनल के द्वारा हो रहा है क्योंकि अगर आपको ये वर्ड क्लियर है ना फिर आपको चीजें समझ आती जाएंगी ऑटोमेटिकली ठीक है तो कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटीज हमें कहीं ना कहीं यही बताता है कि आपका जो एक मस्ट है मस्ट बी एबल टू टेक स्टेप स्पीडली विद इन द टाइम फ्रेम जो जितनी लिमिट है पहचान ही अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म ठीक है एंड नंबर थ्री इज कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज नाम से ही क्लियर है आप बिना रिसोर्सेज के कुछ नहीं कर सकते ठीक है रिस्क इज मस्ट मैनेज द रिस्क रिस्क को भी मैनेज करना है आप कुछ नया न्यू वेंचर स्टार्ट करें उसमें भी चाहिए कमिटमेंट शुड बी लॉन्ग टर्म एंड मल्टी स्टेज होनी चाहिए यानी कि जो आपके कमिटमेंट हैं वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के प्रति होने चाहिए रिस्क एसोसिएटेड आप ये सोचो आपने कैपिटल लगाने से तो आप डर रहे हो तो क्या इंटरप्रोन्योरशिप का प्रोसेस करेंगे रिसोर्स कंट्रोल क्या होता है रिसोर्स कंट्रोल में आता है बेसिकली डायमेंशन एक्सप्लेन करता है इंटरप्रोर शुड बी वाइज इनफ टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली आप अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज तो ज्यादा करते हो ठीक है टाइम ज्यादा बर्बाद करते हो सोचने में कई लोग होते हैं बहुत सोचते रहते हैं अरे ये काम करें ना करें एक काम स्टार्ट कर दिया फिर उसमें भी दस बार सोचते हैं ये काम करें ना करें करें ना करें तो ये टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं लेकिन हमें अगर कमिटमेंट करना है कहीं ना कहीं तो रिसोर्स कंट्रोल पे भी बात होनी चाहिए ठीक है यानी रिसोर्स कंट्रोल इज मस्ट आप अपने जब तक अपने चीजों को वेस्ट करने से रोकेंगे नहीं तब तक आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं कर सकते फिर ये भी बड़ा जरूरी है, ये है, कि जो हमारा ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? Flexible, कि आपने एक चीज फिक्स कर दी पहले दिन ही और दूसरे दूसरे दिन उस चीज की जरूरत ही नहीं है तो क्या फायदा तो आपको मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करना जरूरी है रिवॉर्ड फिलोसफी होती है जिसमें क्या होता है एक प्रॉपर थीम होती है थीम टीम के अंदर दस लोग हैं एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो आप तो ये कह रहे हो अरे तूने को एहसान कर दिया तो कोई फायदा नहीं है रिवॉर्ड फिलोसफी भी होनी मस्ट है क्योंकि उससे क्या होगा कि उसको कहीं कही ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा

इकोनॉमिक कंडीशन में क्या आता है जैसे कैपिटल लेबर रॉ मटेरियल है मार्केट है ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं हमारे ठीक है इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से ये मैंने काफी बार डिटेल में कराया है शो, तो उसके बाद आता है हमारा सोशल फैक्टर सोशल मतलब जैसे सोशल वर्ड आता है तो एज सिंपल एज दैट की आप लोगों को सोसाइटी समझना है सोसाइटी के फैक्टर बड़े जरूरी होते हैं सिक्योरिटी इज मस्ट सिक्योरिटी आप इसमें पॉइंट ले सकते हैं सोशल मोबिलिटी ले सकते हैं ठीक है कि जब तक सिक्योरिटी नहीं है तब तक कोई भी बात फैक्टर पे इफेक्ट नहीं करती है और उसके बाद है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा बेसिकली कहीं ना कहीं ये आ जाता है हमारे जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इंटरपोन क्लासेस डेवलप बिकॉज दे प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सेटिसफेक्शन कि वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल सेटिसफेक्शन देते हैं तब जाके वो कहीं ना कहीं उसको इंपैक्ट करते, है, करते हैं जो हमारे इफेक्ट करते हैं गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस में जैसे कुछ बैरियर्स हो गए जैसे मान लो

एक लार्ज स्केल पे हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है लोगों को काम देना है जॉब्स देनी है जब हम ज्यादा से ज्यादा देंगे तो हमारी जो इंटरप्राइज है वो ग्रो करेगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एक ने दूसरे को बताया दूसरे ने तीसरे को बताया नाम हुआ गुडविल बनी ग्रोथ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा प्रमोट बैलेंस रिलीजियन डेवलपमेंट ये क्या है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली हम इंडस्ट्री को जो कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरिया है उसको ऊपर उठाते हैं ठीक है थीके? तो हमें बैलेंस रिलीजियन डेवलपमेंट करना है ये नहीं है कि हमने किसी चीज पे कर लिया किसी चीज पे किया है ही नहीं ठीक है जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक बेनिफिट लाइक जैसे उनको बेनिफिट कहाँ मिलता है पब्लिक को रोड ट्रांसपोर्ट हेल्थ एजुकेशन एंटरटेनमेंट ये सारी चीजें आती हैं तो इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करके बैलेंस करके चलना है फेसिलेड ओवरऑल डेवलपमेंट ये तो नाम से ही क्लियर है ओवरऑल डेवलपमेंट देख के चलनी है प्रमोट कंट्री एक्सपोर्ट ट्रेड ये बात भी सही है यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना है उससे क्या होगा अपनी इकोनॉमी की कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ेगी और दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा ह्यूज अमाउंट फॉरन एक्सचेंज आएगा फ्रॉम एक्सपोर्ट इन ऑर्डर टू कम बैक द इम्पोर्ट ड्यूज रिक्वायरमेंट जो हमारे ड्यूज है वो खत्म हो जाएंगे ये सारी चीजें हैं मतलब पहले ये चीजें हम पढ़ चुके हैं बट डिटेल में पढ़ी होंगी आप लोगों ने मुझे नहीं पता बट स्टिल मैंने आपको अच्छे से कवरअप करा दिया है so, सो पूरा का पूरा जो ये लेसन था वो मैंने अच्छे से समझा दिया है मिलते हैं यूनिट नंबर टू के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच